दोस्तों पाली फरीदाबाद से लाइव हूँ। ये पाली भाखरी टोल रोड है, देखो कि यहाँ मशीन सफाई कर रही है। अभी बताते हैं क्या खास है, पहले देखें धूल। एक ट्रैक्टर लगा है और अभी बताते हैं क्या खास है। ट्रैक्टर आ रहा है, हो सकता है कोई खुशखबरी हो और बड़ी खुशखबरी हो। देख लें सड़क साफ की जा रही है और यहाँ जिला पार्षद हरेंद्र भड़ाना जी हैं, इनसे बात करेंगे अभी कि भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ। पहले देख लें मशीन लगी पड़ी है, अच्छी तरह से सड़क को साफ किया जा रहा है। पाली का तिराहा है। हाँ जी हरेंद्र भाई साहब। जी भाई साहब क्या हाल है? ये मशीन सड़क साफ कर रही है, क्या कारण है बताएंगे? अभी मेरे पास कुछ अधिकारियों के फोन आए थे कि आप ये हवन अभी समाप्त कर दो। अच्छा, पाली की तरफ से भाखरी की तरफ जो सरकार सरबुद्धि महायज्ञ चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए बोला जा रहा है। मेरे से बोला जा रहा है कि हवन समाप्त कर दीजिए, हम पाली की तरफ से रोड को बनाते हुए भाखरी की तरफ निकल रहे हैं। अच्छा, और बहुत ज्यादा जल्दी मतलब 3 से 4 दिन में भाखरी की तरफ इस रोड को लेकर के पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं अभी हम सिर्फ ब्लैक कारपेटिंग कर रहे हैं इसकी। अच्छा, आरसीसी का रोड स्टार्ट करने में भी 10 दिन है, ऐसा मुझे अफसरों ने अभी फोन करके बताया। अच्छा, तो आज रात में क्या करेंगे बता रहे थे? आज कह रहे हैं कि हम 700 मीटर तक ब्लैक कारपेट इस रोड पे पाली की तरफ से बढ़ जाएंगे बनाते हुए चले पड़े। अच्छा, और भाखरी कब पहुंचेंगे? भाखरी उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में भाखरी पहुंच जाएंगे। अच्छा, 3 से 4 दिन में भाखरी पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो आपसे कह रहे हैं भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, क्योंकि आप लोगों ने शायद आप कांग्रेस से भी जुड़े हो, विजय प्रताप सिंह ने कल एक बड़ा वादा किया था कि हम मरम्मत करवाएंगे सड़क की जो है, और हमने तो चंदा उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी उसे हम 3-4 दिन के लिए स्टॉप कर देंगे जब। अच्छा, वो आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, कि भाई चलो रोड गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है तो खुशी की बात है। हाँ ठीक है, सत्येंद्र भाई क्या कहेंगे, महायज्ञ बंद करेंगे जैसे अधिकारी कह रहे हैं? बंद नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे कंक्रीट का रोड बनना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक बिल्कुल महायज्ञ बंद नहीं होगा। अच्छा, अभी इन्होंने कहा है, आश्वासन तो 1 साल से दे रहे हैं। हाँ, किसी ने कहा है अंधी तेरा भाई आए जब है मेरी गोद में आ जाए। अच्छा, तो जब तक ये काम शुरू नहीं कर देंगे यहाँ से भाखरी नहीं पहुँचेंगे, हवन ऐसा ही चलता रहेगा। और इनके आज से 1 साल से पूरे 1 साल हो गया, 1 साल से यही तो बात कह रहे हैं। अच्छा, अभी काम शुरू कर रहे हैं। कहाँ काम शुरू किया इन्होंने? आज तक एक रोड भी नहीं लगाई इन्होंने। जैसा कुछ अधिकारियों ने रिलायंस के अभी इनसे हरेंद्र भाई साहब से कहा कि आज 700 मीटर सड़क रात में कंप्लीट कर देंगे पाली से भाखरी के बीच तक जो है। अभी हरेंद्र भाई का फोन आया कि एसएसए अधिकारी का फोन आ रहा है। हाँ, मैंने कहा जी फोन बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ, और प्रशासन अगर सुन रहा है तो अच्छी बात है कि सद्बुद्धि इनको आ जाए। हम तो चाहते हैं कि रोड बने, हम थोड़ी ना चाहते हैं कि रोड ना बने, हम तो चाह रहे हैं रोड बन जाए, लेकिन रोड बननी स्टार्ट हो, रोड बन के चालू हो तब जाके हम। उन्होंने हरेंद्र भड़ाना के पास कुछ तस्वीरें भेजी है कि मशीनें लोड हो रही है सड़क बनाने के लिए, ऐसा कुछ है हरेंद्र भाई? कोई मशीनें कहीं दूर भी तो जा सकती है, वहां से लोड होकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकती है। अच्छा अच्छा, वो तो चलो। तो आपका यज्ञ महायज्ञ कल भी जारी रहेगा, आपका कहना ये है? अभी हवन बिल्कुल जारी रहेगा जब तक वहाँ तक ये नहीं पहुँचते, काम कंप्लीट नहीं करते। और असल में क्या है, ये कह रहे हैं ब्लैक कारपेटिंग जो ना, ब्लैक कारपेटिंग तो ये पहले से ही जो है इस पर थी, लेकिन उन्होंने उधेड़ दी है। अच्छा, इसको जो है मशीन लगा के इसको, क्योंकि लेवल ऊपर नहीं कर सकते तो उसका लेवल उतार के इसको रोड पर छील दिया पूरे। अच्छा अच्छा, उसका काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारा जो रोड टूटा हुआ है, जो कंक्रीट का रोड है, वहाँ काम शुरू कर दें और हम अपना हवन का जो है समापन कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, देख रहे हैं ये पाली है, पाली का तिराहा और यहाँ मशीन लगी है सड़क साफ करने वाली, और अधिकारियों कहना है कि हम जल्द भाखरी तक पहुँच जाएंगे सड़क बनाते बनाते। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।